नमस्कार दोस्तों, माई क्रिकेट फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस साल होने वाले आईपीएल की नीलामी की तारीख का ऐलान बीसीसीआई ने कर दिया है। जी हां, आईपीएल के 14वें सीजन से पहले अगले महीने 18 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। बीसीसीआई ने अब आईपीएल के 14वें सीजन के नीलामी की तारीख फाइनल कर दी है और चेन्नई में 18 फरवरी दिन रहेगा थर्सडे। उसी दिन आगामी आईपीएल के लिए सभी खिलाड़ियों पर आईपीएल की 8 टीमें बोली लगवाएंगी। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है और उस टीम को किस खिलाड़ी के ऊपर बोली लगाना चाहिए। फिलहाल इस नीलामी से पहले सभी 8 टीमों ने 139 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, वहीं सिर्फ 57 खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है, यानी कि 139 खिलाड़ी रिटेन किए गए हैं और 57 खिलाड़ियों को रिलीज किया है सभी 8 टीमों ने मिलाकर। अगर हम सभी टीमों के पर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसे नीलामी में खर्च करने के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के पास हैं, जो कि 53 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पर्स में 37 करोड़ 70 लाख रुपए हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास भी 34 करोड़ 85 लाख रुपए हैं, जो कि वो आने वाले आईपीएल की नीलामी में खर्च कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में 22 करोड़ 90 लाख रुपए हैं, जिनसे वो अपनी टीम के कई खिलाड़ियों को खरीद कर मजबूत तरीके से आईपीएल के नए सीजन में उतरना चाहेंगे। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस के पर्स में 15 करोड़ 35 लाख रुपए हैं। वहीं श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के पर्स में 12 करोड़ 80 लाख रुपए हैं। केकेआर के पर्स में सिर्फ 10 करोड़ 85 लाख रुपए हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में सबसे कम 10 करोड़ 75 लाख रुपए हैं। तो ये रहा सभी टीमों के पास नीलामी में खर्च करने के लिए पैसों का रिपोर्ट कार्ड। और अब आप सब नीचे कमेंट करके बताएं कि आईपीएल का 14वां सीजन भारत में ही खेला जाने वाला है, तो आप सबको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार सबसे खतरनाक टीम साबित होने वाली है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी वीडियो आईपीएल से जुड़ी हुई सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो आने वाले दिनों में देखने के लिए अभी माय क्रिकेट फैमिली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।